बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मैगी बच्चों की फरमाइश पे। देखें, ये मैंने मैगी ले ली है। तो मैंने 3 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने पीस लिया। और मैंने थोड़ा सादा धनिया लिया है और 1 मैंने शिमला मिर्ची थी, उसको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया। और 5 मैंने हरी मिर्ची ली थी, वो भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और 2 मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसको भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए। और 1 प्याली में मटर ले रही हूँ। चलें सबसे पहले मैगी को बॉयल करते हैं, उसके बाद आपके साथ फिर साथ साथ हम शेयर करते जाते हैं। सब मैगी इसके अंदर ऐड कर दी। आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके पीस बना लिए, तोड़ लिया। और मैं इसमें मसाला भी ऐड करके चढ़ा दूँगी और साथ में मैं मटर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मटर में गलने में टाइम लगता है। और मैं इसके अंदर एक जग जितना पानी ऐड कर दूँगी, आप लोग पर डिपेंड करता है कितना आप लोग को पानी डालना है। देखिए मैंने मैगी चढ़ा दी और मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर दूंगी। देखिए मैं सभी मसाला डाल के और आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने मसाले डाल के इसको चढ़ा दिए, जब तक ये तैयार होती है दूसरे चूल्हे पे हम मसाला इसका रेडी कर लेते हैं। इसको हम पकने देंगे, अच्छा से पक जाएगी, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। देखिए मैं मसाला भून लूँगी और मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल अपने हिसाब से ऐड किया करें। मैंने एक चमचा ये ऑयल ऐड कर दिया इसमें। जैसे ऑयल गर्म होता है मैं प्याज ऐड करती हूँ। और ये देखिए ये मेरे घर का लहसुन है, अभी तोड़ के आई हूँ, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। इसको मैं कटिंग करके बारीक बारीक फेस में ऐड करते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। देखिए हम इसमें प्याज को अच्छा सा हम ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमने सभी प्याज ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो मैगी ऐसे ही बनाती हूँ, तो मुझे ऐसे अच्छी लगती है बनाने में। बच्चों मेरे को भी बहुत पसंद है, ऐसे बनाती हूँ तो शौक से खाते हैं। देखिए इसको अच्छे से प्याज को ब्राउन करके, उसके बाद जैसे मैं मसाले ऐड करती जाऊँगी आपको साथ साथ हम दिखाते जाएंगे। और साथ में हमारी मैगी भी बॉयल हो रही है, उसको भी हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे प्याज भी साथ में हो रहे हैं और हमारी मैगी में भी देखें बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छे से उसको हम कवर कर देंगे, हाफ कवर करेंगे, फुल कर देंगे तो ये मैगी उबल के बाहर आ जाएगी। अभी अपने मसाले चेक करते हैं। देखिए प्याज हमारे हो गए और मैं इसके अंदर मसाले ऐड करती हूँ। देखिए थोड़ा सा और कलर हो जाए, ब्राउन हो जाए, उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड करती हूँ। देखिए हमारे प्याज हो गए, मैं इतना कलर चाहिए था प्याज का, मैं इसके अंदर जो मैंने लहसुन लिया था वो ऐड कर दूँगी सबसे पहले। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और बाकी मसाले मैं साथ में ऐड करती हूँ। और साथ में हम हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे इसमें, ये देखिए, और ये शिमला मिर्ची भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया हम बाद में ऐड करेंगे, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ टमाटर जो हमने पीसे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छा सा भून, और ये देखिए साथ में मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। और मैं इसके अंदर मसाला ऐड करती हूँ मैगी वाला। देखिए मैंने आधा उसमें ऐड कर दिया था और बाकी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए अच्छा सा भून लेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ अभी नमक ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना भूनना, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भून जाए। देखिए मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। देखें क्योंकि मैगी के में मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक ऐड करूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड करेंगे, वरना तो बिल्कुल अच्छा सा। और मैं 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ।
और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ठीक है, और लाल मिर्ची ऐड करेंगे हम किसी भी, ये भी हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, और कूटी हुई भी ऐड करेंगे, ये भी हाफ टी स्पून, ये देखिए काम भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले को अच्छे से भून के के बाद हम इसमें मैगी में ऐड करेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुनने जाता है, ऑयली आ जाता है इसके ऊपर, और ये देखिए हरा धनिया ऐड कर देंगे हम, और बाकी हम मैगी के अंदर ऐड करते हैं, थोड़ा सा मैं बाकी मैगी में ऐड करते हैं, देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मैगी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है साथ में, ये देखिए अच्छा सा भून के थोड़ी सा इसकी आँच हम स्लो कर देंगे, इसको स्लो आँच पे भूनेंगे, हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए, ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधे कप जितना, देखिए मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, इसको हम अच्छा सा भून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे मसाला चेक कर लेंगे, मैं नमक की ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर लेंगे, देखें अभी हम मैगी को भी चेक करेंगे, देखिए मैगी कितनी अच्छे से पक रही है, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और मटर भी चेक कर लेंगे, देखिए हमारे मटर भी बहुत अच्छे से पक गए, आप चाहे तो इसको पानी शोरबे वाला भी बना सकते हैं, चाहे तो आप सूखी मैगी भी बनती है वैसे बनाते हैं, मेरे बच्चों को छोले वाली अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ज़्यादा पानी नहीं इसका सुखाऊंगी, इसके लिए मसाले ऐड करते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं, जो मैंने धनिया लिया था वो ऐड करते हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हरा धनिया सभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की और मैगी की, दोनों चीज़ों की बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, अपने मसाले को भी साथ में हम भूनेंगे, देखिए मसाला भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भुन गया, अभी हम मैगी में ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं, देखिए मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सब मसाला मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं, देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने सब मसाला इसमें ऐड कर दिया, तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी मैगी बन गई हमारी, अभी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं, हमें ऐसे ही रखना था, इसको हम सिर्फ 5 मिनट तक कवर कर देंगे, दम पे रख देंगे, उसके बाद आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई हमारी मैगी, इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, उसके बाद आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं, तो मैं बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं, देखिए 5 मिनट हो गए इसका मैंने दम पे रखा था, माशाल्लाह हमारी मैगी बन के रेडी हो गई, अभी आपको हम सर्व करके दिखाते हैं, ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बन गई मैगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसको अभी हम बॉल में ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन माशाल्लाह कितनी अच्छी मैगी बन गई हमारी, मैं सभी अभी डाल के आपको दिखाती हूँ, हमने डिश आउट कर लिया, माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी मैगी बन गई हमारी, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी पसंद आई होगी रेसिपी, और दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें, और इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए सब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।